So good afternoon children. Today we are starting chapter number 7, diversity in living organisms. Living organisms ka matlab hai, aap samajh gaye honge ki jitne bhi jeevit prani hain, yani ki jinme pran hote hain, unko hum living organisms kehte hain. Aur diversity ka matlab hota hai unke andar bhinnata. Hum jante hain ki hum log jo hain wo dusre praniyon se alag dikhte hain. Ek koi bhi janwar lijiye aap, sher le lijiye, wo billi se alag dikhta hai. बिल्ली जो है वो हाथी से अलग दिखती है, यानी कि ये सब जो है ये सब के बीच में डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत तरह के प्राणी हमारी पृथ्वी पे हमें देखने को मिलते हैं. इसके बावजूद इनको कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ किंगडम्स के अंदर, कुछ फैमिलीज के अंदर रखा गया है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइंटिफिक स्टडीज के लिए इनको किस आधार पर बांटा गया है. अब जैसे मुझसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, हम लोग क्या देखते हैं, हाथी देखते हैं और एक तरफ हम, या फिर हम शेर देखते हैं, तो दोनों बिल्कुल ही भिन्न है, दोनों का कहीं दूर दूर तक तो कोई समानता नहीं लगती. बस दिखता भी उसके भी चार पैर है, इसके भी चार पैर है, हाथी की भी पूंछ होती है, शेर की भी पूंछ होती है, ठीक है. अब हम ले एक बिल्ली को और एक शेर को. अब बिल्ली और शेर जो है वैसे देखने जाए तो वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्ली छोटी सी होती है, शेर बहुत बड़ा होता है, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद शेर जो है वो भी कैट फैमिली का ही सदस्य है. तो किस प्रकार से फैमिलीज, ये किंगडम, मोनेरा, जेनरा एक्सेट्रा जनरेट किया जाता है साइंटिफिक स्टडीज के लिए, वो यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की. तो ऑर्गेनिजम जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है. हर एक जो पर्टिकुलर तरह का ऑर्गेनिज्म है वो सब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है. आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, आपने छिपकली देखी होगी. अब छिपकली को देख के आप क्रोकोडाइल नहीं समझ सकते, और क्रोकोडाइल को देख के आप छिपकली नहीं समझ सकते हो. नहीं समझ सकते ना, नहीं समझ सकते. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक प्राणी जो है वो अपने आप में एक डिफरेंट तरह का प्राणी है बाकियों से. अब आगे बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी क्वालिटीज जो हमें दूसरों से अलग करती है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एक पेड़ जो है वो दौड़ सकता है, लेकिन हम तो दौड़ सकते हैं. तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि वी कैन रन बट प्लांट्स कांट रन. तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया. We can eat, plants can't eat. अब characteristics जो है उनकी जरूरत क्यों पड़ी गई? क्यों हमें किसी चीज के या किसी व्यक्ति के characteristics ढूंढने की जरूरत पड़ती है? उसका कारण यह है कि categories form करने के लिए. बुक को छोड़ दीजिए, समझते जाइए, बुक को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, अंडरलाइन टिक लाइन बाद में घर. कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत क्यों पड़ी गई? क्या करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स का? भाई पेड़ बढ़ता है लेकिन दौड़ता नहीं है, हम लोग दौड़ते हैं, बढ़ते भी हैं, ठीक है. तो इनको कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम कैटेगरीज बना सकें. क्या बना सकें? कैटेगरीज. तो कैटेगरीज बनाने के लिए, यानी कि एक प्रॉपर स्टडी के लिए कैटेगरीज बन जाए जिससे हमारे लिए स्टडी ईजी हो जाए, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं. और देखते हो क्लास के अंदर रजिस्टर रहता है या हमारे जो एडमिशन फॉर्म्स रहते हैं, जो आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, तो उस समय पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, उनमें से एक चीज़ होती है मेल और फीमेल. तो वो दे उससे पता लगता है कि स्कूल के अंदर कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, कैटेगराइज हो गए ना. फिर आपका रिलीजन भी पूछा जाता है, पूछा जाता है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, क्या हो. तो उससे पता लगता है कि कभी सरकार जानना चाहे कि भाई इसमें कितने सरदार पढ़ते हैं, सिख पढ़ते हैं, कितने हिंदू पढ़ते हैं, कितने मुस्लिम पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ हम निकाल के दे सकते हैं. लेकिन अगर हम सिंपली ये चीज़ें फॉर्म पर ना लिखें तो फिर तो हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं दूसरे को. तो उसी तरीके से कैटेगरीज जो हैं उसको स्टडी करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है. तो समझ में आया क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए जाते हैं? अब एक ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम था अरिस्टोटल. उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, वाटर और एयर. अरिस्टोटल की बात करें तो वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, थिंकर थे. उन्होंने प्राणियों को तीन पार्ट में बांटा था. एक वो प्राणी जो जमीन पर रहते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, एक वो प्राणी जो पानी में रहते हैं जिनको हम अक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, तीसरे वो जो हवा में रहते हैं, यानी कि हवा में उड़ते हैं, जैसे कि उनको कहा जाता है एवियंस, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. दिस क्लासिफिकेशन इज अ लैंडमार्क इन आइडियोलॉजी बट हैज़ लिमिटेशंस. फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क.
इनफैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये बात तो ठीक है, हम भी समझ रहे हैं कि पृथ्वी के तीन ही हिस्से हम देखें तो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमोस्फियर, ठीक है। अब कुछ प्राणी जो है वो हवा में उड़ते हैं, समझ में आ गई बात, कुछ पानी में रहते हैं, समझ गए भी बिल्कुल सही बात है, कुछ जमीन पे रहते हैं, और ये तीन ही तरह के प्राणी होते हैं, और कोई होता है? सोच के देखो, या तो पानी में रहता होगा, या जमीन पे रहता होगा, या हवा में उड़ता होगा, तीन ही होंगे, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। कोई आकाश पाताल में रहने वालों से तुमको कोई मतलब नहीं है ना, अंतरिक्ष में कौन रहता है, एलियंस रहते हैं, उसके बारे में हम तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो ये बनाई गई थी, कैटेगराइज किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, वो अच्छा था, सही था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। लिमिटेशन का मतलब कि भाई देखो, पानी में रहने वाले जानवर तो बताया उन्होंने, अब पानी में तो शार्क रहती है, ऑक्टोपस रहते हैं, स्टार फिश रहती है, व्हेल रहती है, और ना जाने कितने ही तरह के प्राणी वहां पाए जाते हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। तो हम सिर्फ पानी में रहने वाले जानवर कहकर हम सबको स्टडी नहीं कर सकते, तो उसके अंदर जो रहने वाले प्राणी हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि आपको पता होगा, व्हेल जो है वो पानी में रहती है, लेकिन वो एक फिश है वैसे देखा जाए, लेकिन वो एक मैमल है, फिश नहीं। तो कैटेगराइज किया गया ना कि फिश वो तो एक्चुअल में तो पानी में रहती है, हम बोलते हैं ना व्हेल मछली, एक्चुअल में मछली नहीं है वो, इट इज अ मैमल, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से काफी भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि अरिस्टोटल ने जो हमको दी थी अपनी जो थियरी, उसकी लिमिटेशन काफी थी कि उसके हिसाब से हम प्राणियों को बांट सकते हैं, लेकिन उस कैटेगरी के बाद अंदर भी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, तो इसलिए ये लिमिटेशन थी इसकी। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन की। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी डिजाइन हायरार्की इन डेवलपिंग रिलेशन टू एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना, किसी चीज का पनपना। तो इस पृथ्वी के ऊपर जब जीवन की शुरुआत हुई तो हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई का मतलब है बांटना। कैसे बांट सकते हैं? हम बांट सकते हैं उनकी बॉडी के डिजाइन के हिसाब से, कि बॉडी डिजाइन कैसे बांट सकते हैं कि नहीं। फिर हायरार्की इन डेवलपिंग, कि वो किस प्रकार से डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे कि हमको अपने आप को हम कंपेयर करें तो हम बंदरों से कंपेयर कर सकते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे। एक्चुअल में हम अब किसी को हम बंदर को दे, भाई तू तो बंदर है, तो गुस्सा हो जाएगा सामने वाला, गुस्सा होगा कि नहीं। अब हमको कोई बंदर बोलेगा, बंदरिया बोलेगा, तुम तो गुस्सा होगी, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में देखें तो हमारे और बंदरों के अंदर कितनी समानता है। बंदर ऐसे करके चलते हैं, झुक के थोड़ा, तो हम भी शायद स्टार्टिंग में ऐसे ही चलते हैं। देखा ना, वो एक पिक्चर दी होती है बहुत सारी, पहले हम झुक के चलते थे, फिर थोड़ा सीधे हुए, फिर कपड़े पहन के हम घूमने लगे ऐसे से। तो वो जो पिक्चर बताती है कि हम एक्चुअल में तो बंदरों के ही वंशज हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कि पहले हम वैसे थे, आज हम यहाँ पहुँच गए, डेवलप हो गए। तो इस आधार पर भी बांट सकते हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुए। देन वी कैन से रिलेशन टू एवोल्यूशन, की एवोल्यूशन से उनका क्या रिलेशन, कि जब जीवन की शुरुआत हुई तो एक्चुअल में तो जब जीवन की शुरुआत हुई तो एक ही प्राणी था, वन सेल, फिर धीरे धीरे दूसरे ऑर्गेनिज्म बनने लगे, तो हुए तो सब एक ही जगह से शुरू। तब अभी जो वो ऑर्गेनिज्म है उसका एवोल्यूशन से क्या रिलेशन था, इस आधार पर भी उनको हम बांट सकते हैं। तो चार्ल्स डार्विन नामक जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, आपको याद रखना है, इन्होंने जो पहली अपनी किताब लिखी थी जो कि एवोल्यूशन के आइडिया के ऊपर बेस्ड थी, वो थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द बायोलॉजिस्ट सच एज हैकल, विटकर, कार्ल लुईस ट्राई टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रॉड किंगडम्स। द विटकर प्रपोज फाइव किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। कार्ल लुईस इंट्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग मोनेरा इंटू आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब देखा हमने कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो रही थी, पहले भी तीन पार्ट में बांटा गया, भी पानी में, हवा में और जमीन पर रहने वाले। फिर अब ये तो काफ़ी तो नहीं थी, फिर जो कुछ और साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम दिया गया हैकल, विटेकर और कार्ल लुईस,
अब इनमें से जो विटेकर थे उन्होंने एनिमल्स को ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए पांच किंगडम्स बनाए. क्या बनाए? पांच पार्ट में इनको बांटा. हम कैसे पांचों का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. ये पांच भागों में उन्होंने बांटा कि भाई प्राणी जो है इनको पांच हम पार्ट में बांट सकते हैं. अब बांट तो दिया लेकिन उसमें रखेंगे किस किस को, वो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना. अब हमने बोला कि एक पर्टिकुलर चीज है. अब हमने एप्पल छांट रहे हैं या पोटैटो छांट रहे हैं, कोई भी चीज़ हम उसको अलग अलग कर रहे हैं. आपको पता है कंपनीज के अंदर जब ये चीज़ें छांटी जाती हैं तो कुछ लोग एप्पल को देखते हैं, ये ग्रीन एप्पल है, ये येलोइश एप्पल है, ये रेड एप्पल है, फिर छोटे साइज के एप्पल, फिर बड़े साइज के एप्पल. तो मतलब अलग अलग कर, लेकिन उसको छांटना तो पड़ेगा कौन सा छोटा है, वो तो हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ कोई हम छोटे बड़े के हिसाब से तो बांट नहीं रहे. हमने यहाँ पर अलग अलग पाँच किंगडम्स बना दिए. अब उन किंगडम्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को लिया जाएगा वो हमको देखना पड़ेगा. तो इसलिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी. अब हम एनिमल को बड़ा छोटा करके देखेंगे तो बड़े में तो हाथी आ जाएगा, व्हेल आ जाएगी, ठीक है, बड़े में टाइगर लायन आ जाएंगे, लेकिन छोटे में बिल्ली आएगी, चूहा आएगा, ऐसे छोटे छोटे जानवर आएंगे. तो ये तो कलर क्लासिफिकेशन, क्योंकि बिल्ली और चूहे का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, ठीक है. तो इस तरीके से तो बेतुकी सी कलर क्लासिफिकेशन होगी. तो ऐसे में एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बहुत ही जरूरी था. तो ये पांच किंगडम में उन्होंने बांटा था. उनके बाद जो कार्ल वीज नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किंगडम मोनेरा जो था उसके अंदर दो ग्रुप को ऐड कर दिए. हमें पांच ग्रुप दिए गए थे किसके द्वारा? विटेकर के द्वारा. उन्होंने पांच किंगडम दिए, लेकिन जो साइंटिस्ट थे कार्ल वीज उन्होंने मोनेरा के अंदर दो और ऐड कर दिए कि मोनेरा जो है उसके दो पार्ट होते हैं. मोनेरा के दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक बताया उन्होंने आरके बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ये दो बताए. अब यहाँ पर इसको आप बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है क्लासिफिकेशन के बारे में, जो आप पिक्चर देखेंगे वीडियो के अंदर. तो यहाँ पर बताया गया प्लांटे, एनिमिलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया और आरके बैक्टीरिया, यानी कि टोटल सात पार्ट कर दिए. पाँच तो उन्होंने बताए थे लेकिन मोनेरा के उन्होंने दो पार्ट कर दिए. मोनेरा के दो पार्ट बता दिए उनसे, तो पांच वो थे उसमें से मोनेरा एक था, लेकिन मोनेरा को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, यानी कि पांचवा पार्ट जो था वो दो बन गया. तो टोटल हो गए छः. चार तो थे और मोनेरा के दो पार्ट बना दिए, चार और दो छः हो गए थे. आप जब वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा. प्लांटे जो थे, प्लांटे में क्या थे? प्लांटे के अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक. आपने पिछले वीडियो में देखा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा था. एनिमिलिया के अंदर भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक आते हैं. फंगाई के अंदर भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक आते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर भी आते हैं, मल्टी सेलुलर भी आते हैं और यूकैरियोटिक भी आते हैं. यू बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक. और आर्के बैक्टीरिया के अंदर भी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक. तो यानी कि इस तरीके से आप इसको देख के थोड़ा सा आपको एक क्लासिफिकेशन का आइडिया मिल जाएगा. इसके बाद लिनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर लिनस नामक एक साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम बताया क्लासिफिकेशन का, जो यहाँ पर है आपकी बुक के अंदर. पहला है उनके हिसाब से सबसे ऊपर जो आता है उसको किंगडम बोलते हैं. सबसे ऊपर किंगडम, किंगडम के नीचे आता है फाइलम, फाइलम के अंदर आता है क्लास, क्लास को बांटा जाता है ऑर्डर में, ऑर्डर को बांटा जाता है फैमिली में, फैमिली को बांटा जाता है जीनस में और जीनस को स्पीशीज में. तो इस तरीके से जो ये सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं लिनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये चीज़ आपको याद रखनी है और इस चीज़ को आपको माइंड में बिठा लेना. अब इसके लिए हम सिंपल एक ट्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको पता लगाएंगे कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट ले लेंगे. जैसे कि किंगडम का हमने के ले लिया, फाइलम का पी ले लिया, क्लास का सी, ऑर्डर का ओ, फैमिली का एफ, जीनस का जी और स्पीशीज का एस. तो ये क्या बन गया आपका? के पी सी ओ एफ जी एस, के पी कॉफ जी एस, के पी कॉफ जी एस, के पी कॉफ, कॉफ मतलब सी ओ एफ जी एस. तो हो गए आपके टोटल कितने? सात, ठीक है, के पी कॉफ
जी यस, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, के स्टैंड फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, के पीकॉक, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, के पीकॉक, जी एस जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज। याद हो गया, होएगा ये, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट इज मोनेरा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, ठीक है। तो मोनेरा क्या बता रहा है आपको, वो देख लो। मोनेरा, मोनेरा के बारे में डिटेल दे रहा हूं, नोट करते जाइएगा, समझते जाइए। दे हैव यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मोनेरा के अंदर कौन कौन से प्राणी आते हैं, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल, ये कॉमन टर्म से ये याद रहनी चाहिए आपको, ये बार बार नहीं समझाई जाती है, ये तुम सोचोगे यूनिसेलुलर क्या होता है, ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो आपको पता होना चाहिए। यूनिसेलुलर एक सेल वाला, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बनने वाला। तो मोनेरा में जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। दूसरा, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनका न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, जिनका न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स अच्छे से डिफाइंड नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो दो चीजें मिल गई आपको इसके बारे में, याद रखनी है। आगे, द सेल में, सेल वॉल मे और मे नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट मिल गया तुमको। चौथा, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, खाना कैसे बनाते हैं अपना, इनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खुद का खाना, ऑटो समझे ना, ऑटो पायलट, प्लेन उड़ता था कभी कभी पीटीवी में, म्यूजिक मूवीज में देखा होगा, सीरियल में, ऑटो पायलट पे कर दो, ऑटो पायलट होता खुद ब खुद उड़ता। तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेटरोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब अपना खाना एनवायरनमेंट से लेना, यानी कि दूसरों से खाना लेना। एग्जांपल इसका दूंगा मैं, बैक्टीरिया, एनाबेना, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम मोनेरा किंगडम में रख सकते हैं। अब मोनेरा के बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपके पास तैयार हो गए। पहला, यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक, दे मेक देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉपिक और दे मे बी हेटरोट्रॉपिक, दे may have cell wall present or absent also, and example is bacteria and anabaena। तो कोई भी आप बुक में से एग्जाम्पल से याद, हो गया तैयार क्वेश्चन। अब हम दूसरे किंगडम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। बटिस्टा नहीं है जो रेसलिंग में आता है, बटिस्टा वो नहीं, प्रोटिस्टा। WWE देखते हो तो उसमें बटिस्टा आता है, तो बटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सेम मोनेरा की तरह यूनिसेलुलर, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है, इनका ऑर्गेनल्स या फिर न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो सीलिया से कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है, सीलिया, क्या लिया, सीलिया क्या होता है पता है, सीलिया मतलब एक धागे की तरह इनकी बॉडी के बाहर रेशे निकले होते हैं जिनकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो मैं तुमको अभी एक पिक्चर दिखाता हूँ उसकी, क्या होता है सीलिया, ठीक है। और इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं वो होती हैं दोनों सेम पिछले की तरह, पिछले में कौन सी थी, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, तो ये भी जो है ऑटोट्रॉपिक या फिर हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे। मैंने कल ही एक मॉडल बनाया था इसका। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है फंगाई, फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर, पहले पता लग गया हमको कि पहले दोनों थे वो यूनिसेल्यूलर थे, फंगाई कैसी है, मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक है, कैसी है, यूकैरियोटिक। दूसरा, इसमें सेल वॉल होती है एंड मेड ऑफ
शिटिन, शिटिन नामक एक मटेरियल की ये बनी होती है, यानी किसके अंदर सेल वॉल होती है, दैट इज मेड फ्रॉम शिटिन. दे डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट इज दे आर हेटरोट्रॉपिक. सेप्रोफाइटिक डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मटीरियल, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग हेटरोट्रॉपिक, दे आर नॉट शोइंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो अपना खाना जो है ये हेटरोट्रॉपिक नहीं है और ये सेप्रोफाइटिक है. क्या है ये? सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक का मतलब जो सड़ती हुई चीजों से ये अपना खाना बना है. बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? सड़ती हुई चीजों पर तो होता है, ठीक है, तो फंगाई भी वही चीज है, सड़ती हुई चीजों से ये अपना खाना बनाते हैं. सो दे आर सेप्रोफाइटिक. तो छोटी छोटी चीजें हैं आपको जो लर्न करनी है, अंडरलाइन करता जा रहा हूं मैं यहाँ पे. एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एटसेट्रा, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं. द फंगाई लिविंग विद एल्गी फॉर्म्स लिक्विड, फंगाई जो है जब वो एल्गी के साथ मिलकर रहती है तो ये मिलकर बना देते हैं लिचन. आपने स्पेलिंग सुनी होगी, LICHEN, तो लिचन बोल सकते हैं इसको या लिकेन भी. ये जो है ये दो जब साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है, कैसे, फंगाई और एल्गी जब साथ में मिलकर रहते हैं तो दे फॉर्म लिचन एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन. वो उसका काम करता है, वो उसका काम करता है, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं इसलिए मिलजुल कर रहते हैं, इसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, ये भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं और आपको याद कर लेना है. इसके बाद हम देखेंगे प्लांटे के बारे में. प्लांटे जो है दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, तो पहला है ये मल्टी सेल्यूलर, दूसरा है ये यूकैरियोटिक. इसके अंदर सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज से. किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है. एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और प्लांटे जो है यानी कि प्लांट जो है, प्लांट्स वो तो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, सो मीन्स दे आर ऑटोट्रॉपिक. एग्जाम्पल राइस, वीट या कोई भी प्लांट का नाम लिख सकते हो. तो एनिमिलिया जो है उसमें जो प्राणी आते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर मल्टी सेल्यूलर, दूसरा दे आर यूकैरियोटिक एंड विदाउट सेल वॉल. तीन पॉइंट मिल गए, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक एंड विदाउट सेल वॉल, तीन पॉइंट हो गए ना. इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे. दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि खुद का खाना नहीं बना सकते हैं. सो दे आर हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए. तो आपको पता है एनिमल्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? खुद तो नहीं बना सकते ना, वो क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए. अंडरस्टूड? सो ये हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ जो क्लासेस थी ये हमें किसने बताई थी? विटेकर ने. तो ये जो क्लासेस थी हमने स्टडी की. अब एनिमिलिया के एग्जाम्पल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स हो गए, पीकॉक हो गए, या कोई भी एनिमल्स का नाम आप उसमें लिख सकते हो. ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल्स ऑफ किंगडम प्लांटे. अब किंगडम प्लांटे के बारे में जो हमने जो भी स्टडी किया उसकी थोड़ी और डिटेल देखनी पड़ेगी. द किंगडम प्लांटे इज फर्दर क्लासिफाइड एज, अब प्लांटे को आगे भी बांटा गया है, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है. किंगडम प्लांटे जो है इसको आगे बांटा गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो ये किसके पार्ट्स हैं? किंगडम प्लांटे. ठीक है, पांच पार्ट हैं. तो पहला जो पार्ट है उसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो कौन सा है? थैलोफाइट. द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइन. थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनका बॉडी डिजाइन नहीं होता है, याद रखना. एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गे, इनको कॉमनली हम एल्गे के नाम से जानते हैं, ALGAE. बहुत सारे लोग इसको एल्गई भी बोलते हैं, तो एल्गे. ठीक है, एंड इट इज मोस्टली एक्वेटिक, और ज्यादातर ये जो प्लांट्स हैं ये पानी में पाए जाते हैं. ठीक है, तो एल्गे इज ऑल्सो प्लांट. ठीक है, इस
इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आपको दो तीन नाम अपने माइंड में रख लेने हैं, जैसे कि स्पिर वगैरह है, यूलोथ्रिक्स है, आपकी बुक के अंदर कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हों तो वो भी आप कोई भी लर्न कर सकते हो। यानी कि इसको लर्न करने का तरीका यही है कि मेक कॉलम सेपरेट एंड सी द कॉमन डिफरेंसेस कि मल्टी सेलुलर कौन सा है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है यूनिसेलुलर कौन सा है, यूकेरियोटिक कौन सा है, देन इट विल बी इजी टू रिमाइंड। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनको कॉमनली जाना जाता है एम्फीबियंस ऑफ किंगडम के नाम से। ब्रायोफाइटा को दूसरा नाम दिया गया है एम्फीबियंस ऑफ किंगडम। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी अजीब अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मेन पॉइंट आपके सामने आ गए, इट विल बी मच इजियर। तो ब्रायोफाइटा जो है दे आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम, किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन टू, इनकी जो बॉडी होती है ना प्लांट्स की, उनकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला जैसे कि रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर प्लांट्स हैं, इनमें रूट्स भी होती हैं, स्टेम भी होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पत्तों के जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। मोस्टली क्या होता है प्लांट्स के अंदर ना दो टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज टिश्यूज जो पानी और खाने को ऊपर लेकर जाते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट तक, जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सुना है नाम कभी? नहीं सुना होगा अभी तक, क्योंकि नाइन्थ में आया, अभी सुनोगे तुम लोग नाम इसका। तो ये दो टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइलम एंड फ्लोएम एंड जाइलम। अब फ्लोएम और जाइलम जो है ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये खाना और पानी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक कंडक्ट करते हैं यानी लेकर जाते हैं, इसीलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं होता है, यानी कि खाना और पानी ले जाने के लिए ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं होता है। अंडरस्टूड? इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मर्शेंशिया देन फ्यूनेरिया, ये दो एग्जांपल्स हैं इसके। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा को कॉमनली नाम दिया गया है फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, इसकी प्लांट की बॉडी भी डिफरेंशिएटेड होती है, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड आर डेवलप्ड इन दीज प्लांट्स, इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। हमने देखा था ब्रायोफाइटा के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वाटर और उसके लिए नहीं होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर होते हैं, याद रखना। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिशियस, एग्जाम्पल मार्सिलिनिया, फर्न एटसेट्रा। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर इनकॉन्स्पिशियस, यानी कि नॉट वेल डेवलप्ड, भी आसानी से दिखाई न दे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनकी बात कर रहे हैं हम टेरिडोफाइटा की। आगे एक स्पेशल नोट में क्या दिया गया वो भी देखते हैं हम। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिशियस इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आर कांट डेवलप सीड्स। अब ये जो तीन पार्ट हमने पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, मतलब कि वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और वो इतने परिपक्व नहीं होते हैं, इतने मतलब सक्षम नहीं होते हैं कि वो दूसरी सीड्स डेवलप कर सकें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स के हैं, उनका काम क्या होता है? सीड्स डेवलप करना ताकि दूसरे प्लांट्स उग सकें, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर, इन तीनों के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दे आर टुगेदर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम, इन सबको मिलकर बोला जाता है क्रिप्टोगैमे। क्या बोलते हैं इनको? क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे जिसको हम बोल सकते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगैमे यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जब सीड ही नहीं होगा तो फूल कहाँ से आएगा, सीड्स फ्लावर कहाँ से आएगा? फ्लावर्स में से तो फल बनता है और फल में ही सीड्स होती हैं। अनार देखा है ना, अनार का फूल आता है पौधे पे, फिर फूल से बड़ा होकर अनार बनता है, तो अनार के अंदर तो सीड्स होती हैं। तो इनके अंदर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही वेल डेवलप नहीं है तो सीड्स डेवलप नहीं होगी, तो इसका मतलब ये फ्लावर्स भी नहीं बनाएंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। अब ये जो है, ये देखो दो क्वेश्चन और आ गए आपके, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स, नाम याद रखना है आपको, जो
सीड्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स, और जो फ्लावर्स नहीं बनाते हैं यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब क्रिप्टोगैमी जो है वो तो फ्लावरिंग प्लांट्स ही नहीं है, वो तो फ्लावर्स ही नहीं बनाते हैं। जब वो फ्लावर्स नहीं बनाते हैं तो सीड्स भी नहीं बनाएंगे, उनको तो छोड़ दो एक साइड में। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा फेनेरोगैम्स के बारे में यानी कि जो फ्लावर्स बनाते हैं, अब इनको दो पार्ट में बांटा गया है, इनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स बाहर होती हैं, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स फ्रूट के अंदर होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होती है, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट के अंदर नहीं होती है, सीड बाहर होती है, नेकेड सीड बोलते हैं इसको, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जिम्नोस्पर्म्स दे आर कॉल्ड एज नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स, नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनकी सीड जो है बाहर होती है, फ्रूट के अंदर नहीं होती है। दे आर यूजुअली पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी। अब जिम्नोस्पर्म्स जो है ये पेरेनियल होते हैं, पूरा साल होते रहते हैं, और एवरग्रीन हमेशा हरे भरे रहते हैं, और वुडी यानी कि मे बी समथिंग लकड़ी टाइप के होते होंगे। एग्जाम्पल जैसे कि पाइनस, साइकस एटसेट्रा। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर सीड्स होती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है एनक्लोज्ड सीड बेयरिंग प्लांट्स। एनक्लोज्ड सीड बेयरिंग प्लांट्स, एनक्लोज मतलब किसी चीज के अंदर। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कोटिलेडॉन आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडॉन्स और मोनोकोट्स। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कोटिलेडॉन्स आर कॉल्ड एज डाइकॉट। अब इनके अंदर जो सीड्स होती हैं वो क्लोज होती है अंदर, इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब प्लांट्स जो होते हैं उनमें दो तरह की सीड्स होती हैं। ऐसी सीड्स होती हैं जिसमें सिंगल कोटिलेडॉन होता है, उसको बोलते हैं मोनोकोट या फिर मोनोकोटिलेडॉन। एक वो होते हैं जिसमें दो कोटिलेडॉन्स होते हैं, उनको कहा जाता है डाइकॉट्स। डाइकॉट मतलब दो कोटिलेडॉन वाले सीड्स, और मोनोकोट मतलब एक कोटिलेडॉन वाली सीड्स। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपके सामने।